मतलब सच में इतना गंदा, इतना घटिया रास्ता बनाया गया है, ऐसी जगह पे सेंटर बनाया गया, मतलब क्या बताऊँ, इतना ख़राब, मतलब कैसे निकल, पैदल भी नहीं निकल सकते यहाँ से, तो इतनी ख़राब रास्ता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए चैनल पर, राहुल पांडे उन्नाव वाला पर। आज है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, और आज डेट है 15 सितंबर। मैं नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ सुबह सुबह, क्योंकि घड़ी में बज रहे हैं अभी सिर्फ 7:45 यानी 6:45, और मैं भूल गया एक्चुअली। मैं नहा धोकर इसलिए रेडी हो चुका हूँ क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम है, और मैं जा रहा हूँ कानपुर के आगे है मेरा एग्ज़ाम सेंटर, जहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। तो मैं जल्दी से यार उठा, एक्चुअली हुआ क्या कि रात में वो आदत हो चुकी है ना लेट में थोड़ा सोने की, लेकिन फिर भी मैं जो है 6:30 बजे उठ गया था, 6:15 बजे, और मस्त ब्रश किया, ब्रश करके नहा धोकर रेडी हो गया फटाक से। मैंने सोचा कि अब चुकी मैं नहा धो चुका हूँ, तो अब मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करता हूँ। तो अब मैं रेडी हो चुका हूँ, और अगले 5-10 मिनट में मुझे निकलना है। उसके पहले मैं रेडी कर लेता हूँ कि मुझे क्या क्या लेकर जाना है वहाँ पर। तो गाइस चलिए देखते हैं कि क्या क्या लेकर जाना है। बच्चा मस्त सो रही है अभी, और क्योंकि वो लेट नाइट तक वो भी जागती है, इसलिए। और मम्मी जी जो हैं वो काम करके आ चुकी हैं, और अब मैं एडमिट कार्ड मेरा हो गया, एक फ़ोटो आइडेंटिटी के रूप में मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, या ये फ़ोटो ना यहाँ पे, इसको जो है यहाँ पे चिपकानी है, तो इसको मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ। 2 फोटोज और एक्स्ट्रा रख लिए हैं, अगर मान लीजिए ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी में, तो कम से कम मेरे पास होनी चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाती है। 1-2 बार प्रॉब्लम हो चुकी है पहले। अभी क्या है कि 2 फोटो, ये रही मेरी आइडेंटिटी कार्ड, ये मेरा प्रवेश पत्र, और ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, तो इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। और अब इनको मैं एक जगह करके बस इतना ही लेकर जाऊँगा बाकी। अब मैं रेडी हूँ, और मम्मी जी भी रेडी हैं, क्योंकि मम्मी जी प्रसाद खिला रही हैं। अब मैं मुझे पैर छू लेता हूँ, और अब मैं सीधा निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि 7 बजने वाले हैं, और मैं टाइम का ध्यान नहीं दिया। लास्ट रिपोर्टिंग टाइम जो था वो 8:30 का था, मतलब है, तो मैं अब निकलता हूँ यहाँ से। हाँ क्या वो खिला देंगे जाके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भैया को रोटी खिलानी है यार। ये ले लिया भाई, क्या है कि बाहर मौसम बहुत ख़राब है, कब बारिश होने लगे पता नहीं, इसलिए ना मैंने रेनकोट डाल लिया है, तो रास्ते के लिए ठीक रहेगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है, मोबाइल वगैरह भीग सकता है। घर से निकलने से पहले मम्मी ने कहा कि गाय को रोटी खिला कर जाओ तो अच्छा रहता है, तो मैं गाय को रोटी खिला जा रहा हूँ, अखबार नहीं खिलाऊँगा। चलो ठीक है, हाँ बाय बाय, अब नहीं है मेरे पास यार। कल रात में तो मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि लग रहा था जैसे सुबह निकलने को नहीं मिलेगा, लेकिन अभी मौसम ऐसा लग रहा है जैसे धूप निकलने वाली है, तो अच्छी बात है। एग्ज़ाम देने जाओ या कहीं बाहर जाओ तो मौसम खुला होता है ना, तो ही अच्छा रहता है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल घड़ी में 7 बजने वाले हैं, और मुझे हर हाल में एग्ज़ाम सेंटर तक 8:30 तक पहुँचना है। अगर आप 8:30 तक पहुँचेंगे तो ही आपको एंट्री मिलेगी, वरना फिर आपको एंट्री नहीं देंगे। नाउ आई एम रेडी फॉर माई जर्नी, सो लेट्स गो। मतलब बड़ा हुआ ना, इतना अच्छा कि पहुँच जाते, लेकिन इसको लेना एक्चुअली। अभी मैं लगभग 9 से 10-12 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका हूँ, और अभी भी यहाँ से लगभग मुझे 30 किलोमीटर जाना है, तो चलिए अपनी जर्नी फिर से शुरू करते हैं। सो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अभी कानपुर, इंटर कर चुका हूँ, और अभी जो है यहाँ से मुझे देखना बाकी कि मेरा सेंटर कहाँ पे है। मतलब मैंने गूगल मैप पे घर पे तो देख लिया था, लेकिन अभी यहाँ से देखूँ कि यहाँ से क्या डिस्टेंस और क्या रास्ता है, तो मैं देखता हूँ और फिर बताता हूँ आपको कि अभी भी मुझे कितना समय लगने वाला है, क्योंकि अभी लगभग जो है 7:30 बज चुका है, 7:35 हो रहा है। फ़िलहाल जो गूगल मैप है वो तो ये बता रहा है कि इसी हाईवे पर हमें चलना है, और तकरीबन यहाँ से अभी भी 20 किलोमीटर का सफ़र अभी हमें तय करना है, तो चलिए चलते हैं, क्योंकि 7:30 बज चुका है, और हर हाल में मेरा टारगेट है कि मैं 8 बजे तक पहुँच जाऊँ। लेट्स गो। ये है हमारे सेंटर जाने का रास्ता, वो सामने सेंटर है, ऐसा लग रहा है जैसे कि रेलवे का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, आर्मी की ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। कितना ख़राब रास्ता है, ऐसी जगह पे सेंटर बनाया गया, मतलब सच में इतना गंदा, इतना घटिया रास्ता बनाया गया है, ऐसी जगह पे सेंटर बनाया गया, मतलब क्या बताऊँ, इतना ख़राब, मतलब कैसे निकल, पैदल भी नहीं निकल सकते यहाँ से, तो इतनी ख़राब रास्ता है।
दिल्ली में पहुंच चुका हूँ एग्ज़ाम सेंटर पे, 8:15 बज चुका है और यहाँ पर आने में मुझे 1.5 घंटा इसलिए लगे क्योंकि रास्ते में जो है गूगल मैप ने बड़ी प्रॉब्लम कर दी, बहुत घुमाया, इस वजह से जो है फाइनली मैं 15 मिनट पहले पहुँचा हूँ और अभी जो है आपसे ठीक 15 मिनट बाद जो है वो गेट बंद हो जाएगा। ये है मेरा एग्ज़ाम सेंटर। अभी क्या है कि अभी मैं जो भी मोबाइल वगैरह जो भी है वो सब सबमिट करके मतलब एग्ज़ाम हॉल में जाऊँगा, तो हमें जल्दी सबमिट कर देता हूँ फिर चलते हैं अंदर। आपका जो सामान सबमिट किया था वो भी ले लिया मैंने, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हूँ फिर चेक कर सामान चेक कर लिया पूरा का पूरा है, बाहर चल के बताता हूँ एग्ज़ाम कैसा होगा क्योंकि शोर बहुत है। पहले मैं आ गया हूँ बाइक पे, शोर बहुत ज़्यादा है तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से निकलते हैं थोड़ी दूर आगे चलते हैं जहाँ पे शोर कम होता है एंड देन फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसा आ गया था एग्ज़ाम पेपर और फिर चलेंगे घर। मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा उन्नाव एंड देन फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसा रहा आज का एग्ज़ाम पेपर, कैसा आया था, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, क्योंकि अभी जो है मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, कब बारिश होनी शुरू हो जाए कुछ पता नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए अभी क्योंकि यहाँ से 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा मुझे घर पहुँचने में, तो अभी मैं डायरेक्ट यहाँ से चलूँगा उन्नाव एंड देन फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसा आया था एग्ज़ाम, तो चलते हैं घर की तरफ। मैं ऐसे ही खाली पेट निकल लिया था, खाली प्रसाद खा के मम्मी के हाथ का क्योंकि लेट हो रहा था इसलिए, लेकिन अभी जो है बहुत तेज़ की भूख लग रही है तो मैं आधा रास्ता तय कर चुका हूँ लेकिन अब पक्का मुझे क्योंकि अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा और मुझे कुछ खाना पड़ेगा, यार बहुत तेज़ की भूख लग रही है। तो चलिए आगे देखते हैं कहीं पर कुछ मिल रहा होगा या हाईवे के किनारे, एक तो बहुत लंबा सफ़र तय करना था, एक लंबा सा पुल था लगभग मुझे लगता है 15 से 17 किलोमीटर का, तो वहाँ तो बीच में कुछ था ही नहीं, जब पुल ख़त्म हुआ है जब हाईवे पे हूँ अभी भी मैं, तो यहाँ से जो है शायद मुझे जो है कुछ कुछ दुकानें दिख रही है, तो आगे चल के देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो दिखाते हैं और फिर चलते हैं। सो गाइस तो मुझे एक शॉप मिली है वाली, यहाँ पर समोसे वगैरह दिख रहे हैं गर्म गर्म बन रहे हैं तो खाते हैं यार समोसे और तब चलेंगे घर, क्योंकि भूख के मारे ना पेट दर्द हो रहा है। दे दीजिए दो, दे दीजिए चाय की। मौसम जो है मतलब ख़राब है ठीक कुछ ऐसा, इसलिए वहाँ से भागना पड़ा था, लेकिन अभी उन्नाव के पास में ही हूँ, लगभग यहाँ से उन्नाव अभी 13-14 किलोमीटर बचा है और यहाँ तक का सफ़र तय करने में मुझे जाते समय तो लग गया था लगभग 1 घंटे से ऊपर, लेकिन आते समय 35 मिनट में लगभग आ गया क्योंकि तब पता नहीं था, गूगल ने भी जो है एक बार बड़ा प्रॉब्लम कर दिया। जल्दी समोसे खाते हैं फिर चलते हैं घर, क्योंकि मम्मी वेट कर रही होंगी। ये आ गए हमारे गर्मा गर्म छोले और समोसे, तो अब मैं जल्दी से जो है छोले समोसे खाता हूँ और घर की तरफ चलता हूँ क्योंकि मौसम वास्तविकता में बहुत ख़राब हो रहा है फिर से एक बार। बीच में धूप निकल आई थी लेकिन चूंकि मैं अकेले बाइक चलाता हूँ तो शूट नहीं कर पाता हूँ, बहुत कुछ छूट भी जाता है, लेकिन अब क्या करूँ मजबूरी है मेरी। लेकिन यार यहाँ बैठ के खाने का जो मज़ा है ना वो एकदम मस्त है यार, हाईवे के मस्त किनारे बैठे हुए हैं और छोले समोसे लेके और यार बड़ी अच्छी अच्छी एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मस्त लग रहा है एकदम। चलिए गाइस गर्म गर्म समोसे खाते हैं ठंडी ठंडी हवा के साथ, समोसे खा लिए भैया अब चलते हैं घर की तरफ क्योंकि बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो अब चलते हैं घर। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं घर और अभी बज रहे हैं 12, तो टाइम लग ही जाता है यार हाईवे पे जाम वगैरह बहुत होते हैं कि मम्मी जी क्या कर रही हैं। मम्मी मैं आ गया। मम्मी जी तो सो रही हैं आराम से, खैर मैं भी घर आ गया हूँ तो जल्दी से मैं अभी फ़िलहाल चेंज कर लेता हूँ। मेरे लिए बड़ा गुड लक ये रहा कि मैं जैसे ही घर आया बस कपड़े चेंज भर किए थे कि बारिश होने लगी, मतलब सुबह जब मैं गया तब मुझे बारिश नहीं मिली, घर आया तब बारिश नहीं, जब घर आ गया उसके बाद में बारिश हो रही है, कितना अच्छा रहा ना मेरे लिए। एग्ज़ाम देकर मैं घर वापस आ गया तो मेरा जहाँ एग्ज़ाम सेंटर था उसकी स्थिति तो आपने देखी कितनी ख़राब थी, पहुँच पाना कितना मुश्किल था वहाँ पर, पैदल भी जल पाना वहाँ से बहुत मुश्किल था सेंटर तक जाना, इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था वहाँ पर। फिलहाल एग्ज़ाम पेपर जो था वो समय के साथ साथ बदल रहा है, पहले जो एग्ज़ाम पेपर की तैयारी मैं करके गया था उससे बहुत अलग पेपर आया था आज का। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने पहली बार पढ़े थे लेकिन खैर मैंने कर लिए थे उनको दिमाग लगा के। साइंस सबसे ज़्यादा पूछी गई आज कम, टोटल साइंस के तो क्वेश्चन अगर बात की जाए तो 15 से 16 रहे हैं जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चन है थ्योरिकल और 5 से 6 क्वेश्चन है रिएक्शंस पे, तो पेपर तो बहुत ज़्यादा ईजी तो नहीं मान सकते, अब आगे क्या होना है मुझे पता नहीं। फिलहाल गाइज मैं आज अपने ब्लॉग को यहीं पेंट करता हूँ, आई होप कि आप सभी लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियोस को शेयर कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, लाइक एंड दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।